हेलो बच्चों, मैं अमीना और इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइजेस यूनिट 9 द रेनबो का, जो है आपके बुक के पेज नंबर 105 में। उसमें है लेट्स रीड एंड फाइंड आउट, चलिए पढ़ते हैं और ढूंढते हैं इन सवालों के जवाब। पहला सवाल है, व्हाट सेल्स ऑन द रिवर, नदियों पे क्या चलता है? आपने उस पोयम में पढ़ा ना, देखा ना, बोट्स, नाव, बोट सेल ऑन द रिवर, नदियों पे नावें चलती हैं। व्हाट सेल्स ऑन द सी, समुद्रों पे क्या चलता है? शिप्स, जहाज, शिप्स सेल ऑन द सी, समुद्रों पे जहाज चलती हैं। तीसरा सवाल, व्हाट आर बिल्ट ओवर द रिवर्स, नदियों के ऊपर क्या बना हुआ होता है? देयर आर ब्रिजेस ऑन द रिवर्स, नदियों के ऊपर पुल बनाई गई होती हैं। व्हाट बिल्ड्स अ रोड फ्रॉम अर्थ टू स्काई, पृथ्वी से लेकर के ऊपर आकाश तक कौन सा रोड तैयार होता है? द रेनबो, जो हमें ऐसा देखने पर लगता है कि वो हमारे अर्थ से लेके स्काई तक रोड बनाया हुआ है। द रेनबो बिल्ड्स अ रोड फ्रॉम अर्थ टू स्काई। अब हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज है, लेट्स एनसर्कल द ऑड वर्ड। आपको यहाँ पर जैसा ये ए में तीन वर्ड्स हैं, है ना, बोट, शिप, ट्री, इन तीनों में से कौन सा अलग है वो आपको एनसर्कल करना है, यानी उसे सर्कल कर देना है। गॉट इट? पहला है बोट यानी नाव, शिप जहाज, ट्री पेड़। तो इन तीनों में अलग कौन सा है बच्चों? बोट तो पानी में चलता है, शिप भी पानी में चलता है, लेकिन क्या ट्री पानी में चलता है? नहीं, ट्री एक जगह स्थिर रहता है पृथ्वी पर, तो ट्री को इनसर्कल करना है, ये अलग है। बी नंबर, रोड क्लाउड ब्रिज, रोड पे हम चलते हैं जो बनाया गया है मनुष्यों के द्वारा, क्लाउड ऊपर आकाश में होती है, और ब्रिज भी बनाया गया है मनुष्यों के द्वारा, तो इसमें अलग कौन सा हुआ बच्चों? वेरी गुड, इट इज़ क्लाउड, बादल। नंबर सी, टेबल स्काई अर्थ, टेबल यानी मेज, स्काई आकाश, अर्थ पृथ्वी। टेबल को बनाया है हम इंसानों ने अपने इस्तेमाल के लिए, स्काई ऊपर आकाश है, अर्थ हमारी पृथ्वी, तो क्या अलग है? यस, इट इज़ टेबल। ओके, अब हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज है, लेट्स फिल इन द ब्लैंक्स। ये जो खाली जगहें आपको दिख रही है ना बच्चों, इन जगहों को आपको भरना है। कैसे भरेंगे? अभी जो हमने हमारे पिछले वीडियो में जो पोएट्री हमने पढ़ा द रेनबो, उस पोयम के अनुसार ही, उस पोयम को देखते हुए आपको इसे भरना है। सेल ऑन द रिवर यहाँ लिखा है, तो क्या ऐसा है जो नदी में चलता है? यस, बोट्स, तो ये पोयम है, बोट्स सेल ऑन द रिवर एंड शिप्स सेल ऑन द सीज। तो यहाँ क्या होगा बच्चों? वेरी गुड, बट क्लाउड्स दैट सेल अक्रॉस द स्काई, क्या होगा यहाँ? वेरी नाइस, आर प्रीटियर फार देन दीज। ये हो गया हमारा पोयम का पहला स्टैंजा। तो ये था एक्सरसाइज इस यूनिट का। थैंक यू सो मच बच्चों।